एक और सीन हो गया, वैसे आर्मी वालों का टैक्स कटता है नहीं। In 500 meters, turn right onto IVRI flyover. यहाँ कह रहा है ये फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है 500 मीटर पे। ऑन ड्यूटी उसमें लिखा हुआ है। हाँ हाँ। अब जब बंदा कोई लीक पे आ गया है, तो कैसे ऑन ड्यूटी हो जाएगा मुझे तो? नहीं, ऑन ड्यूटी सर्विंग तो है भी। उसने बोला कि हेलो गुड मॉर्निंग। तो यार आज हम निकल रहे हैं बरेली के लिए, और सामने आप देख सकते हैं हमारे सीपी कैंडी भाई खड़े हैं अपने 1000 लाइट जला के। कुछ तूफानी करेंगे बरेली में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पर अंधेरा है, तुम कुछ दिख नहीं रहे यार। अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग अगेन अगेन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब इसको जूम करते हैं तो सीधा नहीं है काफी। अरे इसमें भी खिंचाव है, बहुत सारे खिंचाव है, ये तनाव है इसमें भी, मतलब तनाव है, ये दिख तो रहे हैं काफी तनाव। सीधे वाले में टोल टैक्स होंगे शायद। सीधे टोल टैक्स हमारा नहीं लगेगा ना यार। तो अच्छा अच्छा, अरे बस इसमें फास्ट टैग में 150 रुपये है यार। फास्ट टैग नहीं लगाना चाहिए, तुमने बताया। निकलवा दूँ? निकाल दे निकाल दे। फास्ट टैग नहीं लगाना चाहिए, फास्ट टैग निकाल दे। बंदा आर्मी वाला तो क्यों देगा भाई टैक्स। निकाल भाई साहब, देख सकते हो अभी फास्ट टैग छुपाने की पूरी कोशिश होती रही है। और ये छुपा दिया, ये था क्या करके। ये चिपका जाएगा फर्स्ट टैग में, ला ला उसे निकाल के ले। बचाओ बचाओ, पैसे बचाओ। बस बस काफी है। नहीं यार ये तगड़ा था, मजा आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं फास्ट टैग छुप चुका है, ठीक है। और हमारे 150 रुपये सेव है। ये सब 150 रुपये बचाने की मेहनत थी भाई साहब। यहाँ देख रहे हो कितना भयंकर हो रहा है, और हमारे पायलट साहब देखो लगे हुए हैं, और नेविगेटर चल चल तो आगे देख। एक और सीन हो गया, वैसे आर्मी वालों का टैक्स कटता है नहीं, ये टोल टैक्स, और यहाँ बोलने की कटेगा तो गाड़ी पीछे करके यहाँ इनसे बात करनी है, देखते हैं क्या बोलते हैं। आ जा इधर बात करते हैं। आज तक तो यार मैंने जहाँ भी गया हूँ कहीं नहीं दिया टैक्स यार, पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। इनसे बात करते हैं, देखते क्या होता है। वीडियो तो क्या करते हैं। आर्मी वाले बंदे हैं, प्राइवेट गाड़ी है, ठीक है। नहीं ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले कौन है सर? अभी एक
सर आर्मी वाले बंदे प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट प्राइवेट व्हीकल है सर, आर्मी वाले बंदे सर, उसके लिए उन्हें टैक्सी लेना पड़ेगा। आपने रूल की कॉपी देखी नहीं? देखी सर, बताइए आप हमें। आप देखा बताइए, मैं समझ गया। अपडेट है ना, जब तक अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ से कोई टैक्सी नहीं लेता दिल्ली में, हालांकि तो वहाँ पे तो कोई। सर आप बोल रहे हैं कि नेशनल हाईवे पे नहीं ले सकते टैक्सी, वैसे आप सुनने को बोला और ये प्राइवेट टैक्सी, मैं क्या बोलता हूँ? कौन फ्री है कौन नहीं है वो उसकी रियली एक बार अपनी कॉपी गो थ्रू करेगी? नहीं नहीं, मैंने मैंने देखा सर, मैंने देखा। दिस इज द प्रोसेस कि क्या है, एक बार उसको देख लिया जाए ना। अच्छा मैं दिखवा दे रहा हूँ रेंको जी, उसको ब्रीफ करने दो, आपको एक कॉपी एग्जम्पशन वाली दिखा दो। जी एक ओके। अच्छा अब एक बार गो थ्रू करें कि सही सही में है क्या, रूल में क्या है। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। ये कोई नहीं, ओके ओके। एकदम मेरी है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी दे दो, पूरा एक कॉपी दे देना और वो भी दे दो। भैया कहाँ गए भैया? उनसे वीडियो बना ले। कहाँ गए सर जी? कहाँ गए? हाँ जी हाँ जी भैया। अब ये बता दो ना मुझे कि जैसे आर्मी वाला बंदा है तो पास के साथ ही ट्रेवल कर सकता है? नहीं वो तो देख लिया मैंने वो देख लिया ना मैंने। हाँ। जैसे आर्मी वाला बंदा है तो वो अपन ट्रैवल कैसे कर सकता है बिना टोल के? टोल नहीं लेना है। इसका कहने का मतलब जो आर्मी वाला बंदा छुट्टी पे आएगा ना। हाँ। छुट्टी पे आएगा तो उसको टोल देना मैंडेटरी है, उसको टोल देना जरूरी है। देखिए मेरी बात सुनिए, बता दीजिए आप मुझे। ऑन ड्यूटी उसमें लिखा हुआ है। अब जब बंदा कोई लीव पे आ गया कैसे ऑन ड्यूटी हो जाएगा? मुझे नहीं ऑन ड्यूटी सर्विंग तो है भी, उसने बोला कि एक्शन नहीं कर सकता है ना, उसमें लिखा है साफ साफ। लेकिन जो अभी ऑन ड्यूटी है सर्विंग तो है वो बंदा, सर्विंग बंदा कर सकता है। सर्विंग बंदा है विद प्रोटेक्शन ऑफ पास। नहीं वो तो ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पास दिखाइए, जाइए प्रोटेक्शन पास वो दिखाना, लीव सर्टिफिकेट इसका ये पास में नहीं आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ पास लीव सर्टिफिकेट पे आप ऑन ड्यूटी नहीं हो सकते ना। नहीं तो ऑन ड्यूटी मतलब चलने के लिए अलग से पास बनाना पड़ेगा। नहीं तो जो प्रोटेक्शन ऑफ पास है उसमें नहीं, इवन ये इसको क्या बोलते हैं आप, इसको क्या बोलोगे? लीव सर्टिफिकेट आपका नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ पास उसके लिए अलग से क्या, इसमें आप क्या क्या ले जाएंगे? आपने लेटर पढ़ा नहीं? पढ़ा मैंने, पढ़ लिया मैं, वही पूछ रहा हूँ ना। हाँ, ये बताओ वो आपकी कमांड से ही बनेगा कि मतलब यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर रहा है तो इसको ट्रेवल करने ऑफिशियल पर्पस से आप यूज कर रहे हैं गाड़ी को, तो अच्छा पर्सनल यूज के लिए नहीं हो तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, पर्सनल यूज के लिए अगर आदमी पर्सनल जाएगा तो उसको टोल देना ही पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा। अच्छा यूज के लिए तो देना पड़ेगा, पर्सनल यूज की तो है दिखाया नहीं, नहीं मैं तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है बस इतना ही पूछ रहा था। मतलब लिप सर्टिफिकेट मतलब ये है कि अब आर्मी वाला बंदा अगर अपने काम से जा रहे हैं प्राइवेट व्हीकल लेके तो उसको देना ही पड़ेगा टोल टैक्स। अपने काम से जाओगे तब आपको देना होगा, ऑफिशियल पर्पस से जाओगे कोई आपसे टोल नहीं ले पाएगा। जी जी चलो ठीक है, ऑफिशियल पर्पस से जाओगे। हाँ हाँ समझ गया, मोमेंट ऑर्डर जाएगा, पास दिखाइए, कौन रोकने का तो किसी को मतलब नहीं। चलो ठीक है ओके, थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे मिलकर। बस अच्छा लगा ये तो इसके बाद पता चला। नहीं नहीं इसके अब ये ठीक है ना, ये हमें पता लग गया तो अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आज तक नहीं मैं बताऊँ ना, जितनी बार मैंने ट्रेवल किया था ना तो मैंने आज तक कभी दिया ही नहीं था, कहीं नहीं दिया टैक्स। हाँ तो ठीक है, आप अभी फर्स्ट टाइम ही हो रहा है शायद, आप वहाँ जाके पता करेंगे, आपको सारी चीजें आपकी अपनी कमांड से ही बनेगा, और तो कोई इशू नहीं करेगा, सारी चीजें पता चलो। ठीक है थैंक यू भैया, ठीक है ओके। मतलब सबको टोल टैक्स देना पड़ेगा, अब आर्मी वाली है सारी टोल। मैंने जितनी बार भी ट्रैवल किया था, बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ, टोल में कभी देना नहीं था, लेकिन अब से देना पड़ेगा टोल टैक्स। दिल से बुरा लगा भाई। The machine bad boy on the grip, baby good at bounce, just a hit the look at check. Set up a head crown, baby no cap, sick bitty grip, made a sick boot cap. Jip, jigger out the mirror rap, baby mind hit the blow, jump beat, got a slap. Dasam is a dasam, tum a dasam is a beast, tere siva aage main kaise kya bolun please. Barak in the lele lele kuchhi ki kameez, tere piche pura town, mere piche hai police. Baby you're a good girl and I'm a bad boy, mera lifestyle hai pura flamboyant. Got it, I've flown it, the only time I give a fuck is when she want it. Yeah. Sorry,
पता है इसमें थोड़ा कम लग रहा होगा आप लोगों को, पर लेकिन अगर अपनी ओरिजिनल आंखों से देखे जाए तो बहुत ज्यादा फॉग है, ठीक है। आपको कैमरे में एकदम क्लियरिटी दिखा देगा क्योंकि यार ग्रो प्रो ले रखा है, ये पूरा क्लियर कर देता है इलाके को। आगे से ग्रो प्रो लगाना चाहिए था हमने पूरी स्क्रीन में, पर लेकिन यार इतना बजट नहीं था। सो गाइस हम फाइनली बरेली में पहुंच चुके हैं। बरेली के टेम्पो देख सकते हैं कैसे ग्रीन कलर के हैं और हमारे टेम्पो येलो कलर के रहते हैं, बट जो हम टेम्पो आए व्हाइट कलर के हैं और जो हम जिसमें आ रखे वो व्हाइट कलर की है। पहुंच ही गए 7.5 किलोमीटर की दूरी पे है हम, ट्रैक दिख चुका है हमें। इन 500 मीटर्स टर्न राइट ऑनटू आईवीआर आई फ्लाईओवर। यहाँ कह रहा है ये फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है 500 मीटर पे। सो फाइनली हम इज्जत नगर में पहुंच चुके हैं, हम आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है, और आप भी इज्जत करना। बोल रहा है अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, अब उसके साथ दूसरा भी वर्ल्ड कप चल रहा है। 2 किलोमीटर में क्रिकेट भी चल रहा है। ये देखो सीढ़ी ले जाने का मॉडिफाइड दुनिया है यार, ये देखो कैसे लेके जा रहे हैं यार। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था हम बरेली पहुंच चुके थे, संत हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे हैं हम, तो मैप में देख सकते हो अपने उत्तराखंड में एरो आता था और यहाँ सर्कल आ रहा है, काफी मॉडिफाइड है यार, बरेली ही मॉडिफाइड है यार। यूपी में तो नहीं आता ये शहर? हाँ भाई यूपी में आता है, कहीं बाहर आता है? अच्छा यूपी में, तभी कह रहा हूँ मॉडिफाइड है यार। इनने वैगन के गूगल मैप का वो एरो ही चेंज कर दिया, देखो यार गोल बना दिया वे। जैसे फाइनली हम बरेली के जंक्शन में पहुंच चुके हैं, वो सामने दिख रहा होगा बरेली जंक्शन। ओए आराम से डांस करो, ओए ये डांस अच्छा कर रही है ये लड़की, ले ये डांस अच्छा कर रही है, करने दे, सब करो 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 जो अच्छा करेगा। वो लड़ाई कर रहा है यार,